गठबंधन बना रहता की बात क्यों कह रहे हो? गठबंधन है और लट जैसा रहेगा। रोजाना जूतियों में खीर बढ़ती है, वो सौपन देखती है सत्ता में आने के देर से। लोकसभा की कितनी सीटों पर जेजेपी इलेक्शन लड़ेगी? दिग्विजय कानूनी दिक्कत दूर होगी तो मैं लड़ लूंगा, नहीं दिग्विजय को लड़ा लेंगे। बड़ी लहर दोबारा फिर चला पाएंगे? प्रजातंत्र में भी अधिकार जनता को है, अजय सिंह को नहीं। मैं तो निवेदन और गुजारिश कर सकता हूँ, वर्कर के तौर पर काम कर सकता हूँ, फैसला तो प्रदेश की जनता ने लेना है। किस तरह की तैयारी 2024? हम तो निरंतर फील्ड में हैं, अपना काम कर रहे हैं, रिजल्ट देना तो लोगों का काम है। 2019 में विपरीत परिस्थितियों में जनता ने दुष्यंत का साथ दिया था, तो 2024 को लेकर आपको उम्मीद है फिर साथ देगी जनता? निश्चित तौर पे आप देखना उसके सार्थक परिणाम आए। अगर गठबंधन बना रहता है तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें आप मांगेंगे? गठबंधन बना रहता है की बात क्यों कह रहे हो? गठबंधन है और लट जैसा रहेगा तो सीटें बीजेपी तो कह रही है वो हमारा काम है, चुनाव घोषित कराओ, बैठ करके बांट लें। कांग्रेस की गुटबाजी एक बात बिल्कुल सामने आई है, जो पार्टी 10 साल में अपना राजनीतिक संगठन खड़ा नहीं कर पाए, तीन तीन अध्यक्ष बदल गए, पांच पांच प्रभारी बदल गए, रोजाना जूतियों में खीर बढ़ती है, वो सौपन देखती है सत्ता में आने के। आप अयोध्या पहुंचे दिग्विजय के साथ, किस तरह का माहौल था और किस तरह से देखते इन चीजों को? नाम तो सबके हैं और उनके चरणों में तो सबको शीश नवाना पड़ेगा, जो लोग नहीं गए और राजनीति के शिकार हुए वो भी जाएंगे देर सवेर। लोकसभा की कितनी सीटों पर जेजेपी इलेक्शन लड़ेगी? आप चुनाव घोषित करवाओ, ये हमारा काम है, बैठ करके बांट लेंगे। नहीं, जिस तरह बीजेपी कह रही है कि हम 10 विधान लोकसभा पर इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। हम भी कह रहे हैं 10 की 10 जीतेंगे, पर मिलकर के ही जीतेंगे ना। नहीं, अलग लड़ने की बात, अलग किसने कहा है लड़ने का? बीजेपी कह रही है हम 10 पे लड़ेंगे। किसने कहा है अलग लड़ने का? किसने कहा है वो बताओ ना मुझे, वो कोट करो आप। तो साहब, दादरी से चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव लड़ने की जो बात की जा रही है, भिवानी नहीं है भैया, भिवानी नजरगढ़ संसदीय क्षेत्र। जी जी, भिवानी से सर। हाँ, दिग्विजय की जो चर्चाएं चली हुई है कि या आप लड़ेंगे या दिग्विजय, कानूनी दिक्कत दूर होगी तो मैं लड़ लूंगा, नहीं दिग्विजय को लड़ा लेंगे। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.